दोस्तों, अगर आप भी सीएससी से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए सीएससी की सभी सेवाओं का प्रयोग करना होगा। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सीएससी की एक नई सर्विस के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। यह सर्विस का इस्तेमाल करके भी आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है और यह जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, इसके क्या फायदे होते हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को हम हिंदी में जीवन प्रमाण कहते हैं, यानी जीवन प्रमाण पत्र कहते हैं। यह जीवन प्रमाण पत्र वहाँ पर आवश्यकता होती है जैसे कोई व्यक्ति को अपने प्रमाण की, यानी अपने जिंदा होने की वहाँ पर सबूत देना हो। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रेंड, अगर कोई पेंशन ले रहा है या कोई और सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहा है तो उसे वहाँ पर अपना यह जीवन प्रमाण पत्र लगाना होता है। ज़्यादातर यह जो है पेंशनर्स को ही काम आता है। इसके अलावा बैंकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है या किसी सरकारी संस्थान में जहां पर अपने जीवन का प्रमाण देना हो तो वहां पर यह लाइफ सर्टिफिकेट लगाया जाता है। अक्सर लोग इसे जो है अपने बैंक में पेंशन लेने के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, वहां पर ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और आपको पता है देश भर में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि अपना जो है पेंशन ले रहे हैं और उन्हें हर साल यह जो है प्रमाण पत्र अपने बैंक में या सरकारी संस्थान में देना होता है, जिससे लगातार उनकी जो पेंशन है वो मिलती रहे। इसलिए अगर आप यह काम करते हैं तो इससे आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अगर यह जीवन प्रमाण पत्र आप सीएससी से बनाते हैं तो आप कितनी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीएससी से डिजिटल सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको 50 रुपये तक का कमीशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो आप इससे 100 रुपये से 150 रुपये की आमदनी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यह डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, इस लिंक को आप देख लीजिए। इस लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके सीधे ही आप इस पेज पे आ पाएंगे जहाँ से डिजिटल सर्टिफिकेट बनता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ लिखा है जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से पेज आएगा और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ फिंगरप्रिंट मशीन कनेक्ट होनी चाहिए तभी यह काम करेगा। अगर आपने पहले से कोई सर्टिफिकेट बनाया है उसे देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप नया जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो आपको कुछ जानकारी भरनी है। सबसे पहले देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद पेंशनर्स का नाम डालना है, उसके बाद पेंशन का टाइप क्या है, कौन सी पेंशन उसे आती है, ईपीएस है, फैमिली है या अदर कोई पेंशन है तो, या कोई सर्विस है तो वो यहाँ डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है पीपीओ नंबर, तो जो पेंशनर्स होते हैं उनके पास पीपीओ नंबर होता है तो यहाँ पर आपको जो उनका पेंशन नंबर है या पीपीओ नंबर है वो डालना है। इसके बाद देखिए जो अथॉरिटी कौन सी है, कहाँ से उसे उन्हें पेंशन आती है तो वो अथॉरिटी यहाँ पर चुनना है, स्टेट गवर्नमेंट है तो वो आपको यहाँ पर बता देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ, देखिए जैसे रेलवे से किसी को पेंशन मिलती है तो मैं रेलवे चुन लूँगा। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो एजेंसी है वो कौन सी है, बैंक है या पोस्ट ऑफिस, यानी कहाँ से पैसा आता है, तो मान लीजिए बैंक से आता है तो मैं बैंक चुनूँगा। यहाँ पर देखिए हमें बैंक चुननी है और पैसा हमें जैसे पंजाब बैंक में आता है तो हम यहाँ पर पंजाब बैंक चुन लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर डालना है अपने बैंक का, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना भर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर रीमैरिज हुई है तो वो यहाँ पर यस नो करना है, तो उनमें से आपको कुछ नहीं करना है नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ये ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे आपको कैप्चा कोड भरना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फिंगर वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी और उसका जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं और सीएससी से अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप अपने सीएससी सेंटर पे जीवन प्रमाण पत्र बना के भी पैसा कमा पाएंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।